हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, असम राइफल्स की तरफ से फाइनली एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यदि आप भी असम राइफल्स रैली रिक्रूटमेंट के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप सभी के लिए फ्रेंड्स जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि असम राइफल्स की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि यदि आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर लेना है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट है, जो भी कैंडिडेट असम राइफल्स क्लर्क के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं उन सभी को डाउट है कि मेरा टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है। जैसे कि यदि हम बात कर ले DCA का एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या DCA का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो डिप्लोमा कर रखे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, बट उनके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या वहाँ पे जो है टाइपिंग यदि वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएंगे या वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई कर जाएंगे? तो आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स जो है आप सभी को डाउट क्लियर कर देंगे। एंड इसके साथ में भी हम बताने वाले हैं कि असम राइफल्स में काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका सेंटर जो है कहाँ कहाँ पे देगा और कहाँ का सेंटर कैसा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि यदि आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर लें। जिस भी आधार पे फॉर्म को अप्लाई किए हैं, यदि 10वीं लेवल पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो 10वीं का टोटल जो भी है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप सभी को लेकर के जाना होगा। उसके साथ में आप सभी को निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र, जो भी कैंडिडेट OBC से हैं उन सभी को OBC होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का OBC वहाँ पर नहीं चलने वाला है, NCLG जिसको हम बोलते हैं क्रीमिलियर, ठीक है। तो आप सभी को फ्रेंड्स, क्रीमिलियर एक नॉन क्रीमिलियर का होता है, ठीक है। तो आप सभी को NCL सर्टिफिकेट जो OBC कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप सभी को लेकर के जाना होगा और 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि आपका जो है OBC एक्सपायर कर गया है, 3 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो आप लोग फ्रेंड्स जो है एक न्यू अपना अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आप लोग अप्लाई किए हैं वो भी लेकर के जाना होगा, क्यों ना वो एक्सपायर ही हो गया हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो या निवास प्रमाण पत्र हो, ठीक है। तो आप सभी को वो भी लेकर के जाना होगा और जो न्यू वाला आप बनवाए हैं वो भी आप सभी को लेकर के जाना होगा। तो आप सभी को वहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी आप सभी को हम साफ साफ यहाँ पर बता दें कि फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड किए हैं वो आप सभी को फाइनली लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है। OBC वाले OBC ले जाएंगे, EWS वाले अपना EWS का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे और SC ST वाले अपना SC ST का सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सबसे पहले इसमें होते हैं आप सभी को PET, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का रनिंग करवाएंगे, 24 मिनट टाइम देगा, और फीमेल कैंडिडेट को 16 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना होगा 8.5 मिनट में। ओके, उसके बाद आप सभी को PST होगा, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट वेट चेस्ट मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपसे भी जिस स्टेट से होंगे उसके द्वारा आपसे भी को ट्रेड टेस्ट होगा, और जो हज़ार क्लर्क से फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनका जो है यहाँ पे टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग की यदि हम बात कर ले फ्रेंड्स, तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट आप सभी को चाहिए। यदि आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सभी को फाइनली वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास डिप्लोमा जैसे DCA सर्टिफिकेट DCA का है तो आप लोग को वहाँ पर नहीं चलेगा, या CCC भी है तो आप सभी को वहाँ पर नहीं चलेगा। आप सभी को टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए और टाइपिंग सर्टिफिकेट वैसा होना चाहिए जिसपे आप सभी को स्पीड मेंशन होना चाहिए। ओके, तो आप सभी के पास ये नहीं है तो फ्रेंड्स आप सभी को तो दिक्कत तो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बातें कर लेते हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ सेंटर देगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सेंटर रहने वाला है सिलचर और दीपू, ठीक है, और मतलब 5-6 सेंटर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट क्लर्क से फॉर्म को अप्लाई किए होंगे उनका तो फाइनली आप सभी को बता दें कि दीपू में सेंटर पड़ेगा, और बाकी जो कुक से फॉर्म को अप्लाई किए होंगे हाफलॉन्ग होगा, ठीक है, और सिलचर भी हो सकता है, ठीक है। तो 5-6 सेंटर है जो कि आप सभी को असम राइफल्स का वहाँ पे जो है भर्ती है वो लेती है, ठीक है। तो यही सिलेक्शन प्रोसेस था और डॉक्यूमेंट को लेकर के बता दिए कि आप सभी को टाइपिंग सर्टिफिकेट जरूर होनी चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट को मेरे पास कमेंट आ रहा है कि मेरा CCC है तो क्या हो जाएगा, नहीं वहाँ पे नहीं चलने वाला, आप सभी को बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यदि टाइपिंग इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उन सभी को 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, और जो भी कैंडिडेट हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो उन सभी को 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, और आप सभी को वहाँ पर कंप्यूटर पर जो है होता है डेस्कटॉप पर आप सभी को टाइपिंग करवाया जाएगा, और आप ना वहाँ पर जो है कीबोर्ड लेकर के नहीं जा सकते हैं। काफ़ी डिफेंस में अलाउ होता है कीबोर्ड, बट आप नहीं लेकर जा सकते। तो यही इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स, यदि आप सभी को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।